कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। राजगढ़ जिले में अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को कलेक्टर सभा कक्ष में की गई। सांसद रोडमल नागर ने अभियान की शुरुआत की घोषणा करते हुए उपस्थित जन को कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकने के लिए प्रोटोकॉल का पालन करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर सांसद रोडमल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गायत्री गुर्जर, जिला अध्यक्ष दिलबर यादव, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, CEO जिला पंचायत आशीष सांगवान, सहायक कलेक्टर सुश्री निधि सिंह, अपर कलेक्टर SDM सहित समस्त अधिकारीगण कर्मचारीगण उपस्थित थे। ब्यौरा से मनोज कुमार की रिपोर्ट। इसी प्रकार से हम लोग उसी तर्ज पे इस पर भी कार्य करेंगे ताकि लोगों के बीच जो सोशल प्रेशर है, जो कम्युनिटी प्रेशर है, वो कम्युनिटी प्रेशर बिल्ड हो, क्योंकि बिना कम्युनिटी प्रेशर के हम लोग कितनी भी कार्रवाई लोगों के खिलाफ कर लें तो वो कारगर नहीं होगी। एक बार कम्युनिटी प्रेशर होगा तो कम्युनिटी खुद ही हमारे पास आएगी कि अब जो व्यक्ति पालन नहीं कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी जो हम लोग कार्रवाई करने वाले हैं, इसमें जो पहला सप्ताह होगा, इस पहले सप्ताह में हम लोग कोरोना पे जो भेदभाव है या कोरोना हो गया तो फिर कोई गलत बीमारी टाइप की हो गई, ऐसा सोचने के विरुद्ध हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे, अभियान चलाएंगे। दूसरा, कोरोना से कैसे कैसे बचाव किया जा सकता है, ये दूसरे हफ्ते में करेंगे। तीसरे हफ्ते में हम लोग होम आइसोलेशन कैसे किया जाता है, होम आइसोलेशन में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उसके लिए कम्युनिटी को जागरूक करेंगे। और चौथे सप्ताह में अनलॉक संबंधी संदेश देंगे कि अनलॉक जब हो रहा है तो उसमें हमें किन किन सावधानियों को करना है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।